आरोपी ले फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना के पीछे बिजली शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। आग की तस्वीर है शिकोहाबाद के पक्का तालाब बाजार इलाके की। शुक्रवार की रात एक रेडीमेड कपड़े की बंद दुकान में आग लग गई। घटना की सूचना पर जिले की कई दमकल गाड़ियां के साथ फायर फाइटरों की टीम पहुंच गई। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बेकाबू आग पर काबू पा लिया। आग से कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रेडीमेड की दुकान है, इसमें आग लग गई। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लोगों ने दुकान का ताला खोला। ताला खोलकर बूझ बूझ के साथ सारी आग बुझा दी गई है। काफी नुकसान बच गया है व्यापारी का। क्या कारण है, किन कारणों से लग रहा है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। और पहले मीटर के तार काट दिए गए और तार काट के और उसकी लाइट कट कर दी गई। उससे थोड़ा बहुत जला कपड़ा है, वो बाहर फेंक दिया है और आग पर काबू पा लिया है।